नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ, एक नई सोच के साथ। दोस्तों, आज जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, अध्यापक अधूरे रह गए, माला में सज नहीं पाए और पेड़ से टूट गए, खुला खत है। हम आपको इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं, लेट्स गो। सब्सक्राइब करें आपका दोस्त माय चैनल और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही समस्त कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। ऐसे में सभा सम्मेलन समारोह हड़ताल आंदोलन एवं किसी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन या विचार भी प्रतिबंधित हो जाते हैं। कोई कर्मचारी धार्मिक जातीय उन्माद बढ़ाने वाले विचार व्यक्त करें, इस पर भी कड़ी पाबंदी लागू हो जाती है। किसी राजनीतिक दल से या नेतृत्व से नज़दीकी प्रदर्शित करते हुए छायाचित्र भी आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आ जाते हैं। कोई भी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल में समर्थन में ना कार्य कर सकता, ना रुझान प्रदर्शित कर सकता और ना ही प्रचार प्रसार कर सकता। कुल मिलाकर समस्त कर्मचारी का दायित्व है कि वह चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करें, और उल्लंघन करता है तो दंड भुगतने के लिए तैयार रहें। सभी कर्मचारियों को तटस्थता बनाए रखते हुए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिए। 21 जनवरी 2018 को अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन की घोषणा का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ था, उस पर बहुत हद तक ब्राम लग गया है। शिक्षा विभाग में सम्मेलन तो नहीं हुआ, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसकी कभी अध्यापकों ने मांग ही नहीं की थी। जब जो राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के नियुक्ति में प्रक्रिया प्रचलन में है, अब वह चलते रहेगी। अर्थात अध्यापकों का राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्ति का सिलसिला चलता रहेगा, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। 29 मई को राजपत्र प्रकाशन के साथ ही शिक्षाकर्मी संविदा शाला शिक्षक और गुरुजी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना वेतन निर्धारण का फॉर्मूला पुरानी पेंशन बहाली क्रमोन्नति पदोन्नति और ग्रेच्युटी का प्रथम नियुक्ति दिनांक से लाभ आदि शंकाओं को लेकर निरंतर अध्यापक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ अध्यापक कांग्रेस मध्य प्रदेश और आज़ाद अध्यापक संघ शिल्पी प्रश्न उठाते रहे हैं। वह सब अनुत्तरित रह जाएंगे। दुख इसी बात का है कि इन अध्यापक संघों संघर्ष समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों का इन संघों संघर्ष समिति में शामिल अध्यापकों ने ही अपने नेतृत्व के आह्वानों का ईमानदारी से पालन नहीं किया और भरोसा उन अध्यापक संघों पर किया जिन पर सीधे सीधे आरोप लगते रहे हैं कि वे अध्यापक हित में काम ना करते हुए विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापकों को भ्रमित करते हैं और दावा करते रहे हैं कि हम अध्यापकों को शिक्षाकर्मी संविदा शाला शिक्षक गुरुजी नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि में वरिष्ठता दिलाकर रहेंगे और नियमित शिक्षक संवर्ग के सभी लाभ दिलवाएंगे। इसी संदर्भ में 7 अक्टूबर को भोपाल में स्वागत समारोह का भी आयोजन अध्यापक संघों ने भोपाल में कर रखा था। आदर्श आचार संहिता के लगने के बावजूद यदि कुछ अध्यापक संघ स्वागत समारोह का आयोजन करते हैं तो है उनका दुस्साहस ही माना जाएगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही कोई भी राजनेता कोई किसी प्रकार की घोषणा या आश्वासन अब अध्यापकों को देने की स्थिति में नहीं है, और ना अध्यापक संघों के नेता चरण वंदना कर नज़दीकी होने का भी परिचय दे सकते हैं। चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी रहेगी। अध्यापकों की अब स्थिति है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियमित कैडर का चयन ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। बस दिसंबर तक दिल के अरमा आंसुओं में बह गए करुणा गीत मन की मन गुनगुनाते रहना, और जो अध्यापक संघ और संघर्ष समिति शोषण के नए क्रम को बहुत पहले ही भांप गई थी, उसमें समय अनुकूल निर्णय लेने माननीय न्यायालय की शरण समय रहते ही ले ली थी। अब सभी नियमित कैडर चयन करने वाले अध्यापकों को नियुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन यह समस्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होंगी। इसलिए पूरे आदर्श आचार संहिता के दौरान नियमित कैडर चयन करने वाले अध्यापक और नियुक्ति पर असहमति देकर आक्रोश व्यक्त करने वाले अध्यापक संयमित आचरण करें और माननीय न्यायालय के नियुक्ति के संबंध में निर्णय का इंतजार करें। तब तक हर अध्यापक चिंतन करे कि कहीं हम आवश्यकता से अधिक स्वार्थी तो नहीं हो गए थे, या स्वार्थी
अध्यापक संघों के बहकावे में तो नहीं आ गए थे। साथ ही उन चर्चित अध्यापक नेताओं को भी रोज याद करें जो बगैर सेवा शर्तों वाले चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल हुए। अध्यापक संघों और संघर्ष समिति के संघर्षशील साथियों का तो अब भी मानना है कि 20 साल के संघर्ष का 100% लाभ देने के लिए एक सप्ताह का भी धैर्य रख लेते तो स्थिति दूसरी होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जानकारी पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।